जी, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक कमेटी के सामने आवाज नहीं उठाई थी? क्या पूरा देश उनके साथ नहीं था? क्या बिल्कुल था? प्रधानमंत्री मोदी ने भी इंटरफेयर किया था 100 ग्राम वजन के ऊपर। ओलंपिक एसोसिएशन से बात की गई थी भारत सरकार द्वारा। ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं कांग्रेस के पक्ष में यहाँ बैठ के चैनल पर, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। मैंने मोदी जी का कहा नाम लिया है, आप क्यों झूठ बोल रहे हो? अरे तो मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री नहीं है क्या? मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री नहीं है? आपके भी प्रधानमंत्री है, कांग्रेस के भी प्रधानमंत्री है, वजन पुणे के भी प्रधानमंत्री है, विजय छोगा के भी प्रधानमंत्री है। खुद प्राइम मिनिस्टर ने इस बात को अपील की थी। 100 ग्राम वजन के ऊपर बात की थी। अभी आपने चैनल पे बोला 100 ग्राम चैनल पे, 100 ग्राम वजन पे कैसे कर रहे थे? 100 ग्राम वजन पे किसने देखा राजनीति? आप बात को घुमा के मत बोलिए वेद प्रसाद जी। भारत सरकार ने इसमें हस्तक्षेप किया था, 100 ग्राम वजन को चैलेंज किया था, उसके बाद उसमें सुनवाई भी हुई थी। भारत ओलंपिक टीम ने एसोसिएशन ने किया था। आप तो सिर्फ बुट बुट को चैलेंज कर रहे हो। आप अपने सांसदों को भी चैलेंज वेद प्रकाश जी, नहीं वेद प्रकाश जी, मेरी बात तो आप सुनिए। वेद प्रकाश जी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक कमेटी से बात भी की थी क्या? उसके बाद जब विनेश फोगाट वापस आई हैं, क्या उन्होंने एक बार भी प्रधानमंत्री की तारीफ की? क्या ये पहले से ही तय था कि वो कांग्रेस ज्वाइन करने वाली है? जी पहले से मैंने कहा क्या आपने सुना? मैंने ना प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया ना मैंने नहीं, आपने किसी एक का नाम नहीं लिया, लेकिन आप बार बार यही कह रहे हो उनके साथ कोई नहीं खड़ा था, कोई नहीं खड़ा था। सब खड़े थे। अनुराग ठाकुर को ये कितने बार मिलने गए हैं? झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ। अनुराग ठाकुर जी को कितने बार मिलने गए हैं लोग? घंटों बात करके आए हैं। पीटी उषा जी से कितने बार बात करते हो? ठीक है सुनील कौशिक जी, ठीक है वेद प्रकाश जी, वेद प्रकाश जी आप आरोप लगा रहे हैं, फिर बोल रहे हैं आपने किसी को कुछ नहीं बोला, किसी को नहीं बोला है, तो किसको बोला है आपने? किसको बोला है? किसका नाम ले रहे हैं आप? नहीं नहीं सुनिए वेद प्रकाश जी, आप ही की सुन रहे हैं, तब से सुनिए, आप ही की सुन रहे हैं। आप बोलते हैं आपने प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिया, आप बोलते हैं आपने ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम नहीं लिया। ये फंडा है, जब लॉजिक ना काम करे, जब हमारे पास कुछ कहने के लिए ना हो। वेद प्रकाश जी शांत हो जाइए, आपकी बात पूरी सुनी गई है, आपकी बात पूरी सुनी गई है। देखिए माधुरी जी, बरखा जी ने शुरू में ये बात कही और जिस समय ये मुद्दा चल रहा था, तमाम डिबेट चल रही थी, तमाम डिबेट्स में यही बात कही गई थी कि यदि किसी महिला के साथ या खिलाड़ी के साथ कोई घटना हुई तो इतने दिनों तक आप चुप क्यों थी? एक कमेटी रहती है, उस कमेटी में आपने क्यों नहीं कहा? और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सीधे के सीधे धरना देने की क्या आवश्यकता थी? आप FIR करने गए होते, FIR आपकी की नहीं होती, जहां आपने शिकायत की तो होती, उस शिकायत की सुनवाई नहीं की गई होती। तब मुझे लगता है कि जब सब जगह से दरवाजे बंद हो जाते हैं तब लोग सड़कों पर उतरते हैं, तो सीधा का सीधा जो आप जंतर मंतर पर गए, ये तब भी आरोप मीडिया ने लगाए थे और बिल्कुल बरखा जी सही कह रही हैं कि सबसे पहला कदम आपका क्या था? सीधा जंतर मंतर, जंतर मंतर से पहले का कदम आपका क्या था? और भारत सरकार के मंत्रियों ने लगातार उनकी सुनवाई की, ऐसा नहीं सुन रहे थे। और सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है ये घटना हुई, इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान में लिया, FIR हुई और FIR के बाद चार्जशीट गई है उसमें, अब चार्जशीट के बाद क्या होगा ये मुझे लगता है कि जब आदेश आएगा तभी हम कह पाएंगे। एक राज्यसभा सदस्य के साथ क्या हुआ मुख्यमंत्री आवास पर? कांग्रेस क्यों चुप थी उसमें? प्रियंका गांधी क्यों चुप थी उसमें? कांग्रेस तब सड़कों पर नहीं आई जंतर मंतर पर? और फोगाट जी, आप तो को मिलने जाना चाहिए था, जब आप जंतर मंतर पर बैठी थी तो वो महिला आयोग की चेयरपर्सन थी, वो आपसे मिलने गई थी और पुलिस ने उनके साथ बड़ा बदतमीजी की थी, उठा के ले गई थी जबरदस्ती।